नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 4:15 बजे से आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुत ही अच्छे बदलाव। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान महाबली हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से जो मंगल ग्रह है उनका शुभ प्रभाव आपकी कुंडली पर देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा संकेत है कि आने वाले 7 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में इनका चमत्कार रहेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कहीं भी जाने अनजाने में ये 3 बड़ी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जी दोस्तों, इन्हीं से आप सभी के जीवन काल में इतने बड़े लाभ के मौके आपको मिलेंगे, आपके पास आएंगे कि दोस्तों आप अपने आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। एक बात बता दें कि महाबली हनुमान जी एक सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भी हैं। वे अपने भक्तों के ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देती। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आने वाली 7 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छे बदलाव होंगे। आपके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके लव लाइफ में, स्वास्थ्य, करियर, पारिवारिक जीवन में, हर क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। और 4 बड़ी खुशखबरी ऐसी होंगी कि दोस्तों आपके होश भी वहाँ उड़ा देंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको कौन सी गलती यश में नहीं करनी चाहिए, कौन सी बड़ी खुशखबरी यश में आपको मिलने वाली है और कौन कौन से कार्यों को लेकर आपको विशेष सावधान होना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होंगे, सभी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी दोस्तों, क्योंकि ऐसे मौके महाबली हनुमान जी हर किसी को नहीं देते। जिनके अच्छे किस्मत, अच्छे पुरुषार्थ होते हैं उन्हें कि जीवन काल में भगवान हनुमान जी ऐसे संकेत देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे परम भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिख दें। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि महाबली हनुमान जी ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं में से एक ऐसे देवता है जो कि अपने भक्त से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर एक बार भक्त के ऊपर नजर आ जाए तो दोस्तों उनके जीवन काल में आने वाली सभी संकट समस्याओं को यह क्षण में दूर कर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि संकट मोचन जय हनुमान। तो आए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दिन राशिफल दोस्तों, यश में दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से प्रारंभ होगा। मित्रों या फिर सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अकेले ही कार्यों को उचित अंजाम यश में देने में सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि अचानक कोई मुसीबत आपके सामने खड़ी हो सकती है तथा व्यर्थ के कार्यों में भी कुछ समस्याएं व्यतीत होगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी कभी अति आत्मविश्वास तथा अहम आपके बनते कार्यों में भी रुकावट डाल सकता है, तो दोस्तों इनसे जरूर सावधान रहें। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, मौज मस्ती की तरफ अधिक ध्यान रहने की वजह से महत्वपूर्ण काम भी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, काम संबंधित बातों में आपको अभी रस नहीं आएगा, फिर भी दोस्तों जिन कामों को डेडलाइन आ रही है उन काम की तरफ जो है अवश्य ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अधिक जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से मन में आपका तनाव बढ़ रहा है जिससे आप बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने थोड़ी थोड़ी आ सकती है, परंतु दोस्तों आप अपने आत्मविश्वास व फिर दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। दोस्तों, धार्मिक कार्यक्रम में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली यश में बनाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि अनावश्यक खर्चों की स्थिति यश में बनी रहेगी। अपने बजट का भी आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता यश में रह सकती है। विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर संबंधी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने दायरे से बाहर निकलकर नए लोगों के साथ संपर्क जोड़ने की आप कोशिश करते रहें। दोस्तों, आपको नए मित्र बनाने की अधिक आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों केवल खुद के ही विचारों पर रहकर आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलती रहेंगी। दोस्तों, इसके उपरांत आपके आसपास के जो वातावरण है इनमें बदलाव लाने की आपको कोशिश करना चाहिए।
इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यशोमय ग्रह गोचर बहुत ही उत्तम समय आपके लिए लेकर आने वाले हैं और दोस्तों आपके आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को और अधिक बल दे रहा है। दोस्तों यह ग्रह गोचर आपके लिए भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों यशोमय मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी संभव है तथा किसी सामाजिक उत्सव में भी सम्मानित होने का अवसर भी यशोमय आपको प्राप्त होने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी किसी वजह से आपको अपने ही व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखना चाहिए। नजदीकी मित्र या फिर भाई के साथ जो है छोटी सी बात का बड़ा जो कन्फ्यूजन को लेकर खड़ा कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी विषय में आपको योग्य मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आप अपने काम को या फिर अपने विचारों को योग्य दिशा नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों अपने काम के लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। किसी विषय में बढ़ रहा कन्फ्यूजन आपको बेचैन बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप काम से संबंधित कोई भी निर्णय ना लें और दोस्तों यदि व्यक्तिगत है तो निर्णय से जुड़े परिणाम का अवलोकन करके ही आगे बढ़ें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि आपके प्रति कुछ नया करने का जो आपकी इच्छा है यशमय पूर्ण होगी। भाग्य का सितारा प्रबल है। दोस्तों अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य सफलता यशमय दिलाने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों किसी प्रियजन से मुलाकात भी होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि फिर आपके ऊपर उदासीनता व फिर नकारात्मक विचार हावी हो रहा है। फर्क इतना है कि इस बार आप दोनों बातों के बारे में उचित अधिक जो है जागरूक हैं। इसलिए दोस्तों यश में अपने अंदर नकारात्मक विचारों को मिटाने का प्रयत्न आप करते रहेंगे। खुद के अंदर सकारात्मक विचारों को देखने की कोशिश करें और आप अच्छी सफलता को इसमें प्राप्त कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में बता दें आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यशोमय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे जिससे दोस्तों अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। यशोमय साझेदारी व्यवसाय संबंधी निर्णय लेना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को यशोमय पूरा करने में ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके करियर के लिए यशोमय बेहतर होंगे। आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि छोटी सी गलतफहमी भी पति पत्नी के संबंधों में तनाव उत्पन्न करेगी परंतु आपसे सूझबूझ से समस्या हल भी हो जाएगा। और दोस्तों उन्हें कोई अच्छा उपहार भी यशमय देना ना भूलें, ये आपकी लव लाइफ के लिए यशमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। शांत रहने का प्रयास करें तथा मेडिटेशन में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।